माँ नड़ेश्वरी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हैं ज़ीरो पॉइंट देखने के लिए। यहाँ से 0.26 किलोमीटर्स दूर है और जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ से 25 किलोमीटर्स दूर है। तो चलिए चलते हैं 0 पॉइंट देखने के लिए, क्या है किस तरह से वहाँ पे जाके ही पता करते हैं। लाइन अभी भी इतनी ही है। ये जो रास्ता है वो 0 पॉइंट जाता है, पर पहले हमें टिकट काउंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहले परमिशन लेने के लिए जाते हैं, चलो। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेके एक्टिविटीज़ के लिए एंट्री कर सकते हैं। और 0 पॉइंट के लिए भी टिकट ज़रूरी है और परमिशन भी यहाँ से ही मिलती है। यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन लिखी है कि कौन से प्रवेश का कितना टाइम है और कौन सी एक्टिविटीज़ का कितना टाइम है। तो गाइज, आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ टाइम देख के चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेना, नहीं तो बॉर्डर छूट जाएगा देखने के लिए या फिर एक्टिविटीज़ रह जाएगी। और शाम को सूर्यास्त के बाद परेड भी होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भारत पाकिस्तान की बॉर्डर शुरू होती है, तो चलिए चलते हैं, आपको वहाँ पे लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं भारत पाकिस्तान की बॉर्डर। यहाँ पे टिकट काउंटर का जो टाइम है वो सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का है, और एक्टिविटीज़ वगैरह जो चलती है वो शाम को 7 बजे तक चलती है। चेक पोस्ट पॉइंट आ गया। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं नड़ाबेट में, जो 0 पॉइंट है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है वो देखने के लिए। वो नड़ाबेट से 25 किलोमीटर अंदर है। तो गाइज, ये चेक पोस्ट एरिया है, तो यहाँ पे सब गाड़ियाँ चेक होती है, फिर वो लोग चेक करते हैं कि आपने परमिशन ली है कि नहीं ली है। तो वो परमिशन दिखाते हैं तो वो लोग जाने देते हैं। तो गाइज, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सुबह 10 बजे के आसपास आ जाइए, पहले नड़ेश्वरी माता के दर्शन कीजिए, फिर 0 पॉइंट कवर कीजिए, फिर शाम को एक्टिविटी करिए। तो गाइज, ऐसे ही 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो 0 पॉइंट भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। ये पूरा रेगिस्तान, हाँ ये पूरा रेगिस्तान है। तो शायद फर्स्ट कैमरे से आपको नहीं अच्छी तरह से दिखा पा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सब पूरा रेगिस्तान एरिया है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है, तो परमिशन के बिना आप यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी लेके आना चाहो तो जहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर गवर्नमेंट में कोई जॉब है तो वहाँ पे परमिशन लेके जा सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं है तो स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर उनकी जो बसेस यहाँ पे चलती है वो बस में जाना पड़ेगा, गाड़ी लेके नहीं जा पाओगे। तो गाइज, ऐसे व्यूइंग पॉइंट बहुत हैं, तो वापस आते वक्त आपको दिखाएंगे पूरा। तो गाइज, 0 पॉइंट के बहुत नज़दीक ही पहुंचने वाले हैं, सामने नज़र आ रहा है मुझे 0 पॉइंट एरिया। तो चलिए गाड़ी पार्किंग करते हैं। हे गाइज, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट नड़ाबेट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, तो
चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं भारत पाकिस्तान की बॉर्डर। तो ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर का गेट है। तो यहाँ पे देखो सब फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये जो है यहाँ पे पार्किंग एरिया भी है, तो यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, तो यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ती है। यहाँ से 250 मीटर आगे पाकिस्तान है, ये देखो। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो गाड़ियाँ पड़ी हैं वो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग होती है, वही उनकी है सब। जब तुम सीमा पर होते हो मेरा देश चैन से सोता है। हमारे देश का तिरंगा बहुत ही प्यारा दिख रहा है, हवा में लहरा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अलग सा फील आ रहा है कि ये हम लोग यहाँ पे आए हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। मुझे तो बहुत ही अच्छी प्लेस लगी यहाँ पर। गाइज अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा टाइम रहिए, बहुत ही अच्छा फील आएगा, अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा व्यू है। बच को देख के मुझे बहुत अलग सा फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि मैं कुछ गा दूँ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हमारे जवान, देश के जवान, आर्मी की बात आती है तो बहुत ही अलग सा फील आता है। तो गाइस बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे माँ नरेश्वरी माता के दर्शन करने के बाद ये ज़ीरो पॉइंट देखने के लिए आते हैं, फिर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, फिर शाम को परेड भी देखते हैं। गाइज ये पाकिस्तान बॉर्डर है, वो यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर है, जो मैंने अभी आपको दिखाया वही सेम। तो यहाँ से सेम सामने की ओर दिखता है पाकिस्तान। इनका नाम राजा भाई है और ये हमारे फ्रेंड सर्कल में से है। तो गाइस ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, यहाँ से सिर्फ 150 मीटर आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे नो एंट्री है, यहाँ से दूर से देख सकते हैं क्योंकि ये एरिया टोटली लॉक किया गया है। सामने पिल्लर दिखता है 150 मीटर लिखा हुआ, वहाँ से सीधा पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग ये यहाँ से देख सकते हैं नज़दीक में जो पाकिस्तान दिख रहा है वो। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का ये लिखा हुआ है 0 पॉइंट, मतलब कि ये 0 पॉइंट एरिया है। इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान, सिर्फ 150 मीटर आगे है। यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा फील आता है।
तो गाइज बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर देखने के लिए आए हैं। तो बच्चों लोग आपको कैसा लगा यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर देख के? बहुत अच्छा लगा। और कैसा फील कर रहे हो? बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे क्या कुछ बोलना चाहोगे? क्यों लागू तुमने गुजराती में कहू तो गुजराती छोड़े? हाँ। क्यों लागू? मस्त मजा आई। हाँ। एंजॉय करियो? तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं गाइस यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए आए थे और बहुत सारा एंजॉय किया। ये बच्चे जो है वो थराद स्कूल के हैं। थराद के पास कौन सी स्कूल बताइए? पाकिस्तान की बॉर्डर देखने के लिए। और बहुत सारा एंजॉयमेंट है, बहुत ही मजा आती है बच्चे लोगों को। हेलो भारत माता की, भारत माता की जय। भारत का पिलर नंबर 960, पाकिस्तान यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर है। वो जो दिख रहा है दूर से वो पाकिस्तान का पिलर है, वहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये पूरा नड़ाबेट का व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं और नाश्ता पानी करना हो तो भी कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज हमने आपको इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी और आपको पूरा व्यू दिखाया कैसा है। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये बच्चों के खेलने के लिए जगह दी गई है, पास में ही है तो बच्चे लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो गैस ये बसेस चलती हैं जहाँ पे एक्टिविटी वगैरह होती है वहाँ से टिकट लेके इस बस में आप आ सकते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट तक। तो गैस अगर अपनी गाड़ी से अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो ये जो बसेस चलती है इसमें आपको परमिशन मिल जाएगी, यहाँ पे इसमें आ सकते हो। तो यही वो बस है जिसमें वहाँ से परमिशन मिलती है सब लोगों को आने के लिए। यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया दिया गया है तो यहाँ पे अगर नाश्ता वगैरह करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हमने पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर्स जो है वो हमने देख ली है तो हम लोग वापस निकलते हैं। तो जहाँ पे हमको एक्टिविटीज़ करनी है वहाँ पे चलते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या देखने जैसा है। और बीच रास्ते में भी कुछ कुछ जगह पर जो प्रदर्शन में चीज़ें रखी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। 1965 में जो युद्ध हुआ था वो लड़त के दरमियान जो चीज़ें थी वो यहाँ पर प्रदर्शन में रखी है। टैंक है, तोप है, कुछ मिसाइल्स वगैरह भी है। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में क्या क्या नज़ारे आते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस रिटर्न में ये व्यूइंग डेक है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऊपर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है और ये टैंक जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। चलो देखते हैं और टैंक के बारे में भी जानते हैं। T-55 टैंक है ये। यहाँ पे टैंक का जो पोस्टर लगा है उसमें सब इन्फॉर्मेशन है तो वो गाइस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो ध्यान से पढ़िएगा। ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में तो उस दरमियान ये टैंक खरीदी गई थी। ऐसी कई टैंकें रसिया और पोलैंड से भी खरीदी गई हैं तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो गाइज ये व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई है, ऊपर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है। तो
तो चलिए चलते हैं। और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है गाइस, हवा की आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ, रुकिए। तो गाइस ऐसे ही बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, मेरे तो पूरे बाल ही ख़राब हो गए। चलो कोई नहीं, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। ये जो रास्ता है वहाँ से हम लोग आए अभी ज़ीरो पॉइंट देख के। और ये जो रास्ता है हम लोग जाएंगे एक्टिविटीज़ देखने के लिए। ये 25 किलोमीटर लंबा रास्ता है ऐसा, और ये पूरा टोटल व्यू है, बहुत ही प्यारा नज़ारा आएगा इस सही में। ये नीचे का पार्किंग एरिया है, वो गाड़ी हमारी खड़ी है क्रेटा, और ये पास में टैंक। चलिए मुझे तो टैंक में बैठना है। तो गाइज़ मैंने टैंक कभी ऐसे नहीं देखी है, तो आज मैं पूरी टैंक देखूंगी और तहकीकात करूंगी कि कैसी होती है। और क्योंकि ऐसा मौका भी नहीं मिलता है कि भाई युद्ध में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो देखने जाए नज़दीक से। सिर्फ सोच सकते हैं गाइज़ कि कैसा होगा, फील कर सकते हैं, पर ये तो हम लोग छू के फील कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ है और ऐसे बनाई है। ये जो चीज़ है वो 3.7 हॉविट्ज़र है, तो चलो इसके बारे में भी जानते हैं और दिखाते हैं। ये जो बंदूक है वो 1937 में यूके ने बनाई थी, और 1971 से 1991 तक ये यूज़ हुई है BSF के द्वारा। ये जो बंदूक है उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको कुछ और दिखाते हैं। तो गाइस ऐसी मिसाइल्स यहाँ पे दी गई है, तो ये सब जो है वो लड़ाई के वक्त यूज की हुई है। जो टॉर्पिडोज हैं वो सरफेस शिप और सबमरीन में यूज़ होता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको ये टॉर्पिडोज जो है वो नज़दीक से दिखाती हूँ कैसा है। तो चलिए चलते हैं आगे और कुछ दिखाते हैं।
तो गाइज यहाँ पर 25 पीडीआर गन के बारे में बताया गया है, तो यही वो गन है। ये जो गन है वो 1940 में यूके ने बनाई थी। ये गन 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें ये गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गाइज़ ये सब मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी। इसीलिए अपने घरों में शांति से सोए बीएसएफ सरहद पर मोर्चा संभाल रही है। ये देखो गुड़खर, वो यहाँ पे ऐसे रेगिस्तान एरिया में ही रहता है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दरमियान नौका सेना ने इसे यूज़ किया था कराची बंदर पर छोड़ने के लिए, मतलब कि अटैक करने के लिए। तो यहाँ का ये फूड कोर्ट एरिया है, हम लोग पहुँच चुके हैं वापस एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो पहले कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आपको एक्टिविटीज़ का एरिया दिखाते हैं, क्योंकि बहुत ही भूख लगी है गाइस। तो ऑनेस्ट यहाँ पे है तो ऑनेस्ट में से कुछ मंगवाते हैं। चलिए, तो एक और बात, यहाँ पे फूड यूज़ करने के लिए यहाँ पे टिकट रिचार्ज है, तो जो बेल्ट आपको दिया था टिकट काउंटर से, तो उसी में हमको रिचार्ज करवा के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर अपना बैलेंस यूज़ करने के बाद जो बचता है वो वापस यहाँ से ले सकते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे टिकट रिचार्ज पॉइंट है। तो गाइज हमने मंगाया है वेज मंचूरियन और पाव भाजी। तो गाइज चलिए टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है। अच्छा है, चलता है। तो गाइज ऐसे सोलर की प्लेट लगाई गई है यहाँ पे, देखो। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, दिखाते हैं आपको पूरी टोटल यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है और परेड होती है वो। तो गाइज हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।